हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको न्यूट्रल लाइफ ब्रांड के रिगेन कैप्सूल के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये कैप्सूल आपके बालों के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप अपने बालों की कमजोरी से परेशान है, अपने बालों की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, बालों का झड़ना कंट्रोल करना चाहते हैं, बालों को स्वस्थ और हेल्थी बनाए रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। न्यूट्रल लाइफ ब्रांड के रिगेन हेयर ग्रोथ कैप्सूल के बारे में, जिसकी पैकेजिंग के अंदर गाइस 60 कैप्सूल प्रेजेंट है, जो कि गाइस एक एडवांस हेयर ग्रोथ फॉर्मूला है, आपके बालों के विकास को उत्तेजित करने में मदद करता है। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके बालों को कोई नुकसान पहुंचाए, बल्कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, बालों को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखने का काम करेगा और बालों की समस्याओं को दूर करता है, बालों को हेल्थी बनाए रखता है, चमकदार बनाने में मदद करेगा। डोज की बात करें तो गाइस अपन को डेली एक कैप्सूल लेना है। कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस लें। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट के बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। गाइस ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है अपने बालों के लिए, बालों को हेल्थी स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा, बालों की ग्रोथ को उत्तेजित करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर इस कैप्सूल को इस्तेमाल में लेने के बाद आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो उसी टाइम आप इसे इस्तेमाल में लेना बंद कर दें, डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। और गाइस अगर आप प्रेगनेंसी की अवस्था में है तो आपको कोई भी कैप्सूल या दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो हेयर ग्रोथ की हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, आपको डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी दवा या टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चमकदार बनाएगा ये आपके बालों को, बालों का झड़ना कंट्रोल करेगा, बालों में से डैंड्रफ को रिमूव करने में मदद करेगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अन्य प्रकार की कोई भी जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।